नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की सिहोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसियारी की सरपंच ग्रामीणों में ग्राम के प्रभारी सचिव आशीष साहू के द्वारा ग्राम विकास के लिए आई 12.5 लाख रुपए की राशि के गबन का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी से की है, जहां कलेक्टर को शिकायत करते हुए सरपंच ने बताया है कि ग्राम पंचायत कुसियारी में सचिव को लेकर अतिरिक्त प्रभार के रूप में आशीष साहू को नियुक्त किया गया था। तो वहीं ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो प्रशासन से राशि आई थी, जिसमें गांव की सीसी सड़क का निर्माण होना था, जिसमें 12.5 लाख रुपए की राशि का सचिव ने गबन करते हुए किसी को जानकारी नहीं दी। तो वहीं जब साठगांठ करके आशीष साहू के द्वारा अपना स्थानांतरण करा लिया गया, तो वहीं जब कागजों में सीसी सड़क निर्माण का पता चला तो इसकी जानकारी प्रभारी सचिव से लेनी चाहिए, लेकिन उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो वहीं सरपंच और सभी ग्रामीणों ने प्रभारी सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जहाँ कलेक्टर ने इस मामले में जाँच कर कड़ी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। जबलपुर से अकलीम अंसारी की रिपोर्ट। जी भैया, आज आप यहाँ आए हैं, क्या शिकायत? जी सर, मैं नवीन शुक्ला ग्राम पंचायत कुशियारी से तहसील सिहोरा जिला जबलपुर से आए हैं। हम लोग सभी लोग ग्रामवासी और पंचायत बाल्डी सभी लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आज तक हमारे दिनांक में जो हमारे सचिव थे अतिरिक्त प्रभार पर आशीष साहू, उनके द्वारा 12,55,500 रुपये की राशि आहरण कर ली गई है, जबकि कार्य आज तक कोई कार्य नहीं किए गए और कुछ कार्य किए भी गए हैं तो वह अधूरे किए गए हैं। जबकि समस्या इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है कि नाली जैसी है, सीसी रोड है, गांव वाले निकल रहे हैं लेकिन रोड पे रात के निकल नहीं पा रहे, दिन को भी गिर जाते, इतनी गहरी नाली खोद दी गई है जबकि कार्य नहीं कराया गया और राशि का आहरण कर लिया गया है। इसी प्रकार से हमारे ग्राम कुशियारी के अंतर्गत ग्राम कुशियारी और तिघरा दो गाँव आते हैं, लेकिन गाँव कुशियारी में भी शमशान घाट की बाउंड्री थी जो, उसकी भी राशि आहरण कर ली गई है, वो भी नहीं बनाई गई। और जबकि बोला जाता है कि भैया आप बनाओ, तो कह देते हैं कि मैं चार्ज में नहीं हूँ, और पैसे राशि निकालने के बाद अतिरिक्त प्रभार था जो, तो उन्होंने सेटिंग करके अपनी हमारे जो तहसील के अधिकारी हैं उनकी सेटिंग करके मिली भगत करके, और उन्होंने अपना दूसरी जगह अतिरिक्त प्रभार कारभार ले लिया, और दूसरे को जबरदस्ती में कह रहे हैं कि आप चार्ज लो, क्योंकि वो चार्ज लेंगे तो राशि जो आहरण कर ली गई है यदि कोई और सचिव लेता है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि जो सचिव पहले राशि निकाला उसका कार्य किया जाए या राशि जमा किया जाए और जिससे कार्य पूरा हो जाए, हम लोगों को समस्या का निराकरण हो सके। सरपंच रजनी दाहिया है ग्राम पंचायत कुशियारी से, और सभी उप सरपंच गोविंद कुमार कोल हैं, वर्तमान सचिव हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि सभी जो राशियाँ निकाली गई हैं उस राशि का कार्य किया जाए या राशि जमा की जाए या उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला यहाँ? हाँ, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि इनके ऊपर FIR की जाए और जो भी राशि है इनका जांच करके और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए। और जिला CEO को भी हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी इस समस्या का निराकरण के लिए आश्वासन दिया है। शुभ नाम मेरा नवीन शुक्ला। नाम बताओ जी। मेरा नाम गोविंद प्रसाद है, ग्राम पंचायत कुशियारी से आए हैं, और आशीष साहू के द्वारा 12 लाख रुपये का कुछ और रुपये हैं उसमें निकाल ली गई, निकाल लिया गया, लेकिन अधूरे कार्य कराए गए हैं जो नाके के हिसाब से है। कौन है, किस पद पर है? अतिरिक्त प्रभार पर है सचिव आशीष साहू। आप यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर ने बोला है कि जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा, जल्द से जल्द निराकरण कराए और FI दर्ज कराई जाए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।